नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज। बांसवाड़ा जिले की अर्थूना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ओड़ा के सरपंच प्रतिनिधि केसरीमल खांट के साथ पंचायत की मुख्य समस्याओं एवं विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात। आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा के साथ। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा, और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति अर्थूना की ग्राम पंचायत ओड़ा के अंदर। यहाँ हमारे साथ समाज सेवी है, सरपंच प्रतिनिधि, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं केसरीमल जी खांट की पंचायत में विकास कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं और यहाँ लोगों की धरातलीय समस्याएं किस प्रकार की है, तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच साहब, पहले भी कभी किसी पद पे रहे हो या पहली बार जनता की सेवा करने का मौका मिला? मैं पहले तो वार्ड पंच बना साहब उड़वाड़ा पंचायत में। मेरे गांव में मुख्यमंत्री लाया था, मेरे गांव में आवानो जवानो कोई रास्ता था, कोई नहीं था। ये तो, कब की बात करें? वो 70 में। इसका मतलब राजनीति बहुत लंबे समय से? बहुत लंबे समय से है। इसी बीच आपने कोई चुनाव भी लड़े? हाँ, चुनाव भी लड़े। और हमारे यहाँ किनार था कि वंशी थे गांव, पानी हानि नहीं मिलता है लोगों को, एक फसल होती है यहाँ, और लोग बड़ी मुश्किल से पेट पालन पोषण करते हैं। और यहाँ रोड में भी कमी है सब हमारे, कुएं की मेन कमी है, कला कुआ, हाँ कुएं की कमी है, और अनाज है तो अनाज बहुत दूर पड़ती है सब। तो सरकार ने लिफ्ट वगैरह ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की, क्योंकि अनाज बिल्कुल आपके किनारे पे आ गए? ये हमारे किनारे पे, हम कैलाश जी ने हमको किया था कि तुम्हारा लिफ्ट का हो गया है, आज डाटा तक हुआ नहीं है सब। इन लोगों ने हमको वायदा तो दिया था और आए थे मौका ऊपर, जीतमल जी आया था, उनने भी वायदा दे दिया था कि तुम्हारे लिफ्ट लगाए, तो लिफ्ट लगी नहीं है सब, हमारे पानी नहीं मिला। तो लोग अभी किस प्रकार से खेती वगैरह किस प्रकार से करते हैं? खेती तो कहाँ है साहब, किसी के एक बोर है और किसी के कुआ है उसके है, और बीजू तो नदी में पानी थोड़क ले, बीजी खेती नहीं करते हैं लोग, हमें लोग भूखे मरते हैं। धंधो मजदूरी माता चली गई, गुजरात है, अहमदाबाद है, और बाहर शहर में चली गई, हमारे शहर में चले धंधो करते हैं, इन अलावा दूसरा कोई कोई काम नहीं है। तो यहाँ की जनसंख्या समझाओ कितनी? यहाँ हमारे है साहब जनसंख्या पूरी पंचायत नहीं जी, पूरी पंचायत नहीं है साहब, 1200 से ऊपर है जी, लगभग 1500 के समथिंग, 1500 के आसपास है सर। तो सभी लोग खेती पे डिपेंड है, कोई मजदूरी पे है, कोई किसी प्रकार मजदूरी पे सर, खेती कम है जी। खेती कोई पाटीदार नहीं, वो एक वार्ड है हरदोग, थोड़ी जमी ही रहना करना, पानी नहीं बचता है, बीजू तो कुछ नहीं, बीजू पानी नहीं मिलता, पूरी पंचायत में पानी नहीं मिल रहा। हाँ, तो गर्मियों में क्या हालात रहती है यहाँ पे? बहुत हालात खराब है साहब, टैंकर लगाते हैं हम, टैंकर पानी पिलाते हैं लोगों को, वो भी लड़ाई करते हैं लोग, आयो आए टैंकर एकदम भरी लिया, लोग ने पहला रही जाने मारामारी होती है ना, ऐसा समस्या है पानी की। तो सरकार ने तो जल जीवन मिशन प्रत्येक पंचायत प्रत्येक घर कह रही कि हम जोड़ रहे हैं, उसका काम चला? चला है साहब, चल रहा है, चल रहा है उसका, चल रहा है, अभी पानी वाणी तो नहीं मिला है पर काम चल रहा है। तेज गति से चल रहा है या धीमा चल रहा है? अभी तो चल रहा है साहब, बहुत थोड़ा धीमा चल रहा है, एक कुआं वहां निकला था वो भी थोड़ा वो डूबने से लग गया पानी, अभी जो बस रह जो कुआं नहीं कम्प्लीट किया, अपना टंकी बना रहे हैं अभी लोग। रास्ते की हालत बहुत खराब है, अगर यहाँ तक आप को गांव के लोग, जैसे ओड़ा पंचायत वहाँ रहेगी लगभग 3-4 किलोमीटर दूर, वहाँ से अगर अगर साइन करवाने भी आना पड़ता है, क्योंकि कोई पादरा रास्ता हमारे आलो तो जीतपाल जी ने के दू है करी आलो हम थे अभी जीतपाल जी ने के दू तो कैलाशी ने, तो कैलाशी ने किया था वायदा कि मेरे हो गया तुम्हारा रोड पे, हमको हुआ नहीं है साहब, इसलिए उनको आगाड़ी इन्हीं रिपोर्ट ने मैंने पोसा भी पड़े हमारा रास्ता बहुत खराब है रास्ता। इसके अलावा सरपंच साहब, आप सरपंच बनने, आपके यहाँ से पुत्र वधू सरपंच बनी, उसके बाद में सरकार से किस प्रकार से लोगों को फायदा मिला और किस प्रकार से काम सब? ये मैंने 4-5 तो निकट बनाया है पानी रोकने के लिए, 10-12 और थोड़े बहुत टुकड़े टुकड़े सीधे किए हैं, और 5 मशान घाट बनाया है, और
चार पांच किनारे बनावी, वो पानी वो एक वार्ड में पानी मिले बनाने भी बनाई, पांच किनारे बनाई, एक किनारा हमने मंजूर है चालू है। इसके अलावा अब क्या कहना चाहेंगे सरकार से, बजट किस प्रकार से मिल रहा है? सरकार के बजट साहब हमारे कह रहे हैं कि तुम्हारे जनसंख्या कम है पंचायत की, इसलिए आपको तो कम मिल रहा है। मैंने 1,01,30,000 ने 30,000 नो काम वाली तक एक भी काम मंजूर जिला परिषद में नहीं हुआ, फिर प्रस्ताव दिया था दोबारा, फिर भी नहीं हुआ है। अभी जो मांग रहे हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, हमें हमको कोई काम नहीं मिला था, दो साल से हमारे कोहराम से ले गए, एक साल इधर उधर ये चुनाव के संबंध में वापस निकाल दिया, और 8 महीना 10 महीना हम कह नहीं एडम फिर ऐसे ऐसा लागू थाएगा इसमें फिर बंद लग जाएगा, इसलिए हमने हमने काम सरकार हाल दी थी, अब ये मैंने 4 महीना में पूरा। और किस प्रकार की समस्या आती है, लोग आपसे किस प्रकार की समस्या लेके आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, खाद्य सुरक्षा है, ऐसे मुद्दे भी आते हैं कि? खाद्य सुरक्षा में साहब कम से कम मेरी पंचायत में 700 लोग पहुंचे थे, और अभियान हुआ उसमें रिपोर्ट भी दी है हमने, मेरे आज तक की रिपोर्ट आ ली है। और बीजू हुआ कि साहब राशन काटता था बनी जी ने, और खाद्य सुरक्षा में जुड़ी नहीं है, इतने लोग तो परेशानी से एक कण दाणो नहीं मिलता मैडम ना, और गरीब बिल्कुल आर्थिक रूप से बिल्कुल गरीब है, कोई नहीं है। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि इन लोगों को जल्द जो खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू किया जाए, क्यों? हाँ, खाद्य सुरक्षा चालू किया जाए और पानी की व्यवस्था साहब हमारे जी जी। तो सरकार ने बहुत बड़ी योजना चला रखी है मनरेगा योजना, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे, उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, किस प्रकार से काम हुआ उसमें? मिल रहा है साहब, अभी चालू कर दिया काम, एक एक घर से एक परिवार से एक एक लोग लगाड़ी वो जरिया जितना गाड़ा इतना गाड़ा जितना वो काम खुला था रात छोड़ के अगले 15 गाड़ा है, कोई अगले महीनों है, कोई अगले 10 गाड़ा है, ये पूरा तो यहाँ खाता एड़ा पूरा तो कहाँ से, और इस साल तो फसल तो सही नहीं है सर, फसल तो सही नहीं है हमारे। क्या मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए? मुआवजा मलबा चुके सब हमारे, सब बेकार लोग हैं, कोई बेरोजगारी लोग हैं, काश नहीं है। किसान के पास अगर फसल ही नहीं है और फसल अगर नष्ट होगी अतिवृष्टि से, तो कुल मिला के यहाँ कुछ न कुछ लोगों को सहायता राशि उपलब्ध करनी चाहिए, करनी चाहिए साहब। और सरकार ने आप रिपोर्ट पहुँचाओ हमारे ऊपर, अलग व्यवस्था थी कि आनी पंचायत नहीं जांच की जाए, गरीब में गरीब पंचायत है, पंचायत समिति अर्थोड़ा में ये आओ पिछले पंचायत बीजी कोई नहीं है बिल्कुल, वास्तव में यहाँ लोग है, अधिकारी भी आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई भी नेताओं ने भी ध्यान नहीं, कोई किसी को ध्यान नहीं दिया था, किसी के पास फरियाद लेके गए हो कभी उस अधिकारी? हमें मालवीय जी का नहीं दिया है, जिला प्रमुख का नहीं दिया है, कैलाशी का नहीं दिया है, इसमें जी देने दवाया हमें पड़ी ला है, और ठीक है एक मालवीय साहब ने 1 करोड़ का तालाब एक दिया है यह साल, वो बनवाया साहब पर पानी नहीं पड़ा, तो पानी तालाब में थी उसने थोड़ा थी, जो लोग गो ने मक्की करी रुझ भुका जी, अपने पानी नहीं है तालाब में, पानी की नहीं होने की वजह से वो पानी नहीं होना भुका जी। और क्या कहना चाहेंगे इसमें साहब? हमारे तो साहब आपने निवेदन किया है, आ रिपोर्ट हमारी पूरी पहुंचा हुई, हमारा मुखो तो दिखी हुआ, हमारी लड़का नहीं हुआ जाते, हमारे लोग नहीं हुआ जाते, हमारे यहाँ लोगों ने गो नहीं मरता, तो यहाँ नहीं हुआ जाते, मजदूरी ऊपर से परिवार गुजारो करो काटो काम है। अब की बार कहीं न कहीं अगर बात करें गढ़ी विधानसभा के अंदर दूसरी बार भाजपा से चुने गए कैलाश जी मीणा विधायक बने हैं, और राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनी, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद तो लगा रहे साहब के सरकार आननी है, आदमी आनो जिताड़ो है, तो पार पूर करी हमने सहयोग करे, आनी पंचायत में दिखी नहीं मौका, दिखी नहीं मौका ऊपर आई नहीं तो ठीक है, तो खाली वायदा आ लेता हूँ, हमें तो यहाँ संसद ने लिया था डूंगरपुर से की यानी बी ए ने बिहार जाता है, तो अगर जी बंदाणी ने कीधु है कि भाई हमने आटलो आटलो काम आलो इन्होंने वायदो करो सब मारा था, एक तो रोड बनाई तुम्हारा तमने खाद्य सुरक्षा वालों भी हमें करा भी दुआड़ेगा, एक मंदिर बनावेगा ये वायदा करी जाता है, ये सुना तो चले जानी है सत्तर अगर नवाजी क्या नहीं करे तो करा ना तो वायदा जूठा पड़े हमारे। तो कुल मिला के ये कहानी है कि वोट लेने आते हैं तो उस टाइम वादा करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं साहब, सही वादा न
कितना वायदा करते हैं, आम है ने हेलो ना करी ना कोने पेलो करी ना कोने, हजारे बातें बता रही लोगों ने भरम में डाल देते हैं और उसके बाद तो कोई दिखता नहीं। हाँ जंगलों में कौन देखेगा, अरे जंगल लास्ट गाँव है ये, हाँ किधर आनंदपुरी आ गई है, नदी के किनारे ऊपर है, ये लालपुरा है जैसे ओडवा है, जैसे तुम्हें आइया से ओडे आइया, खराब हालात है। चिकित्सा सुविधा किस प्रकार की, हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल तो है नहीं भाई, आए थे कि तुकिन ले जाओ पड़े अर्थों ने 7 किलोमीटर ऊपर, कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ ना। एक सामुदायिक भवन बनाओ ने नमक नरेश लाभ एम कहते तो ये मटी झुका नहीं। हमारे पहलू काम तो ये है कि एक अस्पताल यहाँ बन जाए छोटा मोटा, कोई डिलीवरी है कोई बुखार है ताव है वो ऑपरेशन बोलो तो जो ऐसा बन जाए साहब तो ठीक है। तो ये देखिए यहाँ की समस्या, ग्राम पंचायत ओड़ा के अंदर अगर बात करें तो लगभग 5-7 किलोमीटर के अंदर यह पंचायत फैली है और यहाँ वास्तव में हम वहां से गुजरे, सड़कों की हालत बहुत खराब है। लोगों से जब पूछा तो लोगों ने भी यही बताया कि यहाँ चिकित्सा सुविधा है वो बिल्कुल जीरो है। अगर किसी को बुखार हो गया या किसी तरह की अगर व्यवस्था है तो इनको अर्थुना यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और रास्तों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है और विशेष तौर से गर्मियों के अंदर पेयजल समस्या है, उसका संकट तो हमेशा बना हुआ है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात और खास बातचीत केसरी मल जी, समाज सेवी और सरपंच प्रतिनिधि, जिनका कहना है कि सरकार हमेशा वोट बटोरने का काम करती है कहीं न कहीं, और वोट बटोरने के बाद में वोट लेने से पहले तो बहुत बड़े वादे बहुत बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वोट लेने के बाद में कोई भी जनप्रतिनिधि इस पंचायत की सुध नहीं लेता। धन्यवाद सर, समय दे, बहुत बहुत धन्यवाद।